नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर दानापुर से है। कोचिंग एसोसिएशन ऑफ बिहार के सभी शिक्षकों ने कोचिंग खोलने की मांग को लेकर दानापुर अनुमंडल कार्यालय जाकर एसडीओ से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वहीं इस दौरान शिक्षकों का सरकार से कहना है कि जैसे कोरोना महामारी में सभी व्यवसायों को खोल दिया गया है, तो आखिर कोचिंग संस्थान को क्यों बंद रखा गया है। इसे भी सरकार को नियम और शर्तों के साथ खोलना चाहिए। अगर अब भी कोचिंग को नहीं खोला गया तो सभी संस्थान के शिक्षक भुखमरी के कागार पर आ जाएंगे। हाँ, अनुमंडल कार्यालय में आने का मेरा हम लोगों का मकसद है सर कि हम लोग प्राइवेट इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं और ड्यू टू कोविड-19 जैसा हालात है कि पूरा स्कूल इंस्टीट्यूट सारा के सारा सस्पेंड किया गया है। ठीक बात है, बट हम लोग को कोई भी आर्थिक पैकेज अभी तक अवेलेबल नहीं हुआ। इवन हम लोग लोन वगैरह का भी अगर प्लान करते हैं, कहीं बैंक में जाते हैं, तो कोई भी गवर्नमेंट के तरफ से, इवन वो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या रीजनल गवर्नमेंट हो, कहीं से कोई भी ऐसा फंड हम लोग के लिए नहीं दिया गया। अब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है सर कि परिवार चलाना टफेस्ट है, बहुत बुरे स्थिति में है। तो फर्स्ट लॉकडाउन में 26 जून को एसडीओ साहब के यहाँ हम लोगों ने एक अपना ज्ञापन सौंपा था, लेकिन शायद उस पर कोई विचार नहीं हुआ। तो फिर से दोबारा आज हम लोग 28 तारीख को आए हैं, इनको ज्ञापन देंगे। इसमें सर सारे चीज़ें लिखा है कि अगर इंस्टीट्यूट को रीओपन किया गया तो जो भी रूल और रेगुलेशन है, जो मैं आपको सर दिखा रहा हूँ, आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। इसमें एकदम क्लियरली हमारा जो कैब एक अभी नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके साथ हम लोग जुड़े हैं सारे प्राइवेट टीचर्स, जिसमें सर यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है कि डेली फेस मास्क, हेयर मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर, फेस सील चेकिंग, डेली सरफेस सैनिटाइजर बिफोर क्लासेज, दिज ऑल आर अवेलेबल। मतलब जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है, नीड है कोविड-19 से सेफ्टी के लिए, वो चीज़ को यहाँ दिया गया है सर। इसके बाद और भी कुछ विजन्स है, जो जैसे किराए की समस्या। अब सर स्थिति हम लोग की ये है कि हम लोग के पास सारा चीज़ बंद है, कहीं से कोई अर्निंग नहीं है, लेकिन मकान ओनर के द्वारा काफ़ी फोर्स किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हम लोग इंस्टीट्यूट को बंद कर दे रहे हैं। बिजली बिल की समस्या, इसमें गवर्नमेंट का बताया गया था कि जो फिक्स चार्ज है वो आप लोग को रिबेट किया जाएगा, लेकिन जब न्यूज़पेपर में जब हम लोग फोर्स लगाए तो न्यूज़पेपर में आया तो हुआ कि नहीं भाई, 2-3 महीने के बाद आपको एक्सक्लूड कर करके जाएगा, बट वो चीज़ भी नहीं हुआ। इसके जस्ट बाद अभी जो हम लोग का ऑनलाइन क्लासेज है सर, वो इंटायर या जो भी चीज़ें हैं, इसमें टेक्निकली मैं आपको बताऊँगा सर ऑनलाइन क्लासेज के विषय में। अभी 5 से 10 Mbps कम से कम अपलोड के लिए, लेकिन होना चाहिए जो है अभी अवेलेबल हमारे यहाँ, या थोड़ा सा इंटायर रीजनल में आप जाएंगे तो, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट है 10 to 20 Mbps। दूसरा बात है सर, मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप वगैरह की काफ़ी कमी है, लैक ऑफ है सर यहाँ। तो ऑनलाइन क्लासेज गवर्नमेंट के द्वारा जो इंस्ट्रक्ट किया जाता है, हम लोगों ने उस पर पूरा फोकस किया, लेकिन सर सफलता नहीं मिला। अब ऑनलाइन क्लासेज को, क्लास रूम को जब कन्वर्ट करना चाहे सर, उसके लिए भी कैमरा या जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट है उसके लिए भी फाइनेंशियल हम लोग कहीं ना कहीं काफ़ी वीक हैं सर। उसके लिए भी गवर्नमेंट की तरफ से कहीं से लोन वगैरह का स्कीम नहीं है सर। तो इन सब चीज़ों से हम लोग तंग आ गए हैं। और सब हम लोग सर यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट जैसे छोटी छोटी जितने भी चीज़ें हैं, दुकान वगैरह सारा चीज़ ये सब तो खुल चुका है। अब वहाँ पे सर आप ऑटो को ही देख लीजिए, 6-6 फीट की जो या 3 फीट का जो चीज़ें हैं वो कहाँ मेंटेन हो रहा है सर। सारे जगह रस है, काफ़ी ज़्यादा रसेज हैं। कोविड-19 को स्प्रेड को रोक करने के लिए जो सरकार का कदम उठा रहे हैं उनके साथ हम लोग हैं, लेकिन सर हम लोग यही चाहते हैं अगर इंस्टीट्यूट खोलते हैं तो बेहतर है, ताकि बच्चों का अच्छा एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड जैसे कर रहे थे वो करें, और अदरवाइज अल्टरनेट ये है सर कि कोई पैकेज हम लोग को प्रोवाइड किया जाए, ताकि हमारे परिवार, हम अपने जो भी टीचर्स हैं उनका परिवार चल सके। अब इसमें सर दो बातें हैं, मान लीजिए हम लोग जो टीचिंग स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ्स भी हैं, अब उनकी पैकेज सर जो भी हम लोग के यहाँ पेमेंट है कैसे उनको नहीं देंगे सर,
अब खुद की स्थिति खराब है, फिर भी उनको देते हैं, दाई हैं, मैट हैं, रिसेप्शन काउंटर पे हैं, तो बहुत बुरी स्थिति से हैं। सर मैं एक और भी बात आपसे बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बिहार में 14.2 लाख जो हमारे यहाँ बाई रिटेन है सर, सारे चीज़ें का लोग इससे जुड़े हैं सर प्रत्यक्ष रूप से, जिसमें इस कैब में अबाउट 20,000 एक्टिव मेंबर्स अभी काम कर रहे हैं। अभी तो सर जितने भी जिला हैं जिला वाइज हो रहा है, बाद में इसका और भी प्लानिंग है कि ब्लॉक वाइज भी हम लोग काम को कराएंगे। तो सर 14.2 लाख हैं, अब इसमें सर एक एक फैमिली एक टीचर का एटलीस्ट 5 मेंबर्स हैं सर। अब उसको अगर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 70 समथिंग यानी 71 का लगभग, इतने लोग इससे ग्रसित हैं, लेकिन गवर्नमेंट का कहीं से कोई ध्यान इस पर नहीं है सर। जी मेरा नाम प्रवीण कुमार, मेरा OECJEE क्लासेस दानापुर में चलता है, सगुना मोड़ पे भी दानापुर में भी चलता है, और ऑलरेडी अधिनियम 2010 जो बिहार गवर्नमेंट का था सर, उसके तहत हम लोगों ने कोचिंग का रजिस्ट्रेशन भी कराया सारे चीज़, बावजूद इसका अभी तक कोई भी नोटिस नहीं किया।